शुरुआत पाक कांग के परिचय से होती है, जो एक उभरते हुए और प्रसिद्ध अभिनेता हैं, जिनकी प्रसिद्धि ने उन्हें बेहद अमीर बना दिया था। उसकी माँ अब उसके प्रचुर भाग्य के कारण अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने में सक्षम थी, जिससे उसे अपनी असाधारण किस्मत पर गर्व होने लगा। पाक कांग एक भव्य और महंगे अपार्टमेंट में रहता था, उसके साथ हमेशा उसका प्रबंधक जो यून रहता था। पहले एक महत्वाकांक्षी अभिनेता, जिसने महत्वपूर्ण भूमिकाएं हासिल करने के लिए संघर्ष किया था, जो यून ने पाक कांग की पेशेवर प्रतिबद्धताओं और कार्यक्रम की देखरेख के लिए अभिनय छोड़ दिया था। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम, पाक कांग ने फिल्म निर्माताओं की एक सभा में भाग लिया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने स्वीकृति भाषण के दौरान उन्होंने एक दूरदराज के इलाके में अपनी विनम्र शुरुआत और परवरिश के बारे में बताया, जिससे यह अवसर उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया। इसके साथ ही पाक कांग के पूर्व धनी दिनों के पूर्व प्रेमी सु ह्यून ने टेलीविजन पर उनकी पुरस्कार जीत देखी। हाल ही में सियोल में अपनी कला प्रदर्शनी की मेजबानी करने के लिए न्यूयॉर्क से लौटी, ये कार्यक्रम क्रिसमस की पूर्व संध्या के साथ मेल खाता था। हालांकि जो यून अपने परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए प्रस्थान करने की तैयारी कर रहा था, पाक कांग ने उसे उस बार में जाने के लिए मना लिया जहां वे उसकी प्रसिद्धि से पहले अक्सर आते थे। वहां उन्होंने अपने साझा अतीत को याद किया, जिसमें कई साल पहले एक फिल्म भूमिका के लिए उनका संयुक्त ऑडिशन भी शामिल था। उन्होंने इस बात पर विचार किया कि कैसे पाक कांग की सफलता ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई, जबकि जो यून ने एक अलग रास्ता चुना और उनके प्रबंधक बन गए। जो यून मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन आश्चर्यचकित थी कि अगर पाक कांग ने वो भूमिका नहीं निभाई होती तो जीवन कैसे अलग तरह से विकसित होता, जिससे संभवतः सु ह्यून के साथ एक परिवार और एक संतुष्ट जीवन जी पाता। पाक कांग ने याद किया कि कैसे उन्होंने एक दशक पहले उसी बार में सु ह्यून के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया था। वह अपने कला करियर को आगे बढ़ाने के लिए न्यूयॉर्क चली गई थी, जबकि उन्होंने अपने अभिनय की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया था। बार छोड़ने पर पाक कांग ने जो यून को एक अन्य प्रतिष्ठान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन क्रिसमस की पूर्व संध्या ने जो यून की अपने परिवार के साथ रहने की इच्छा को प्रेरित किया। उन्होंने पाक कांग को घर के लिए टैक्सी लेने की सलाह दी। टैक्सी में नशे में धुत पाक कांग ड्राइवर के साथ बातचीत में व्यस्त था। ड्राइवर ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक प्रसिद्ध अभिनेता को अपने यात्री के रूप में पाकर भाग्यशाली महसूस किया, यह मानते हुए कि पाक कांग उसकी संपत्ति और प्रसिद्धि को देखते हुए खुशियों से भरा एक स्वप्निल जीवन जी रहा होगा। हालांकि पाक कांग ने ड्राइवर पर विश्वास करते हुए खुलासा किया कि धन और प्रसिद्धि खुशी की गारंटी नहीं देती है। इस बातचीत ने एक असामान्य मोड़ ले लिया जब ड्राइवर ने एक अजीब सवाल पूछा, क्या होगा अगर पाक कांग अपने अतीत को बदल सके? ड्राइवर ने इस इच्छा को पूरा करने में सहायता करने की पेशकश की। अगली सुबह पाक कांग एक अपरिचित घर में जागा, दो बच्चों ने उसका स्वागत किया और उसे अपने पिता के रूप में संबोधित किया। उसे आश्चर्य हुआ, उसका लंबे समय से खोया हुआ प्यार सु ह्यून अब उसकी पत्नी के रूप में खड़ा था, यह मानते हुए कि वह अभी भी पिछली रात की शराब के प्रभाव से पीड़ित था। पाक कांग ने जो ह्यून से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन खुद को उससे संपर्क करने में असमर्थ पाया। अपने भव्य अपार्टमेंट में लौटकर उसने पाया कि किसी ने उसे नहीं पहचाना। अपने ही आवास में घुसकर उन्हें संदेह हुआ कि डकैती हुई है, जिसके परिणामस्वरूप भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि अपार्टमेंट उनका नहीं है, जिससे पाक कांग गहरे सदमे की स्थिति में थे, क्योंकि उन्होंने रातों रात अपना सब कुछ खो दिया था। जब सु ह्यून उसे लेने पहुंचा, तो वह उसे अपनी पत्नी के रूप में पहचानने में असफल रहा, जिससे भ्रम और शर्मिंदगी और बढ़ गई। पुलिस ने अभिनेता होने के उनके दावे का उल्लेख करके उनके स्पष्ट भटकाव को समझाया। कांग और सु ह्यून ने खुद को घबराहट की स्थिति में पाया, लेकिन अंततः घर वापस चले गए। कांग का दिमाग उनकी शादी के बारे में विचारों से घिरा हुआ था, जिससे अनुत्तरित प्रश्नों की एक अंतहीन श्रृंखला पैदा हो गई। कांग की लगातार पूछताछ के कारण सु ह्यून का धैर्य जवाब दे गया, जिसके कारण उसने उसे उसके मन से हिलाने की कोशिश में एक थप्पड़ मारा। तभी कांग ने एक गुजरती हुई टैक्सी को देखा और अचानक उसे पिछली रात की बात याद आ गई। धुंधली यादों में कांग को जो ह्यून नाम के किसी व्यक्ति के साथ शराब पीने और उसके बाद टैक्सी की सवारी में बिताई गई शाम याद आई। जबकि विवरण अस्पष्ट रहा, कांग ने खुद को घर पर वापस पाया। सु ह्यून ने उसकी अस्पष्ट यादों पर संदेह करते हुए उसे डांटा। जब कांग का पहली बार अपनी बेटी रोही से सामना हुआ, तो हालात और भी हैरान करने वाले मोड़ पर आ गए। उसने उसके सामने कबूल किया कि उसने अपनी याददाश्त खो दी है, जिससे उनके साथ बिताए जीवन की सारी यादें मिट गईं। चिढ़कर सु ह्यून ने अपनी कला कक्षा के बाद दोस्तों से मिलने की घोषणा की और बच्चों की जिम्मेदारी कांग पर छोड़ दी।
कांग ने एक दाई को काम पर रखने का सुझाव दिया, लेकिन सू ह्योन ने यह मानते हुए इसे खारिज कर दिया कि वह अभी भी शराब के नशे में है। बकाया बिलों के बढ़ते बोझ ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। फिर भी कांग उस भयावह रात से रहस्यमय टैक्सी ड्राइवर पर केंद्रित रहा। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने उत्तर की तलाश में बच्चों को भी साथ ले जाने का फैसला किया। उन्होंने टैक्सी कंपनी का दौरा किया, लेकिन पाया कि टैक्सी का वर्णन करने से कोई सफलता नहीं मिली। अपने नए जीवन को समझने की खोज में कांग ने अंतर्दृष्टि के लिए अपने जुड़वां बच्चों की ओर रुख किया। रोही ने खुलासा किया कि वह एक अभिनेता थे, हालांकि प्रसिद्ध नहीं थे। कांग को आश्चर्य हुआ जब रोहा ने उन्हें एक टीवी शो भी दिखाया जिसमें उनकी एक छोटी सी भूमिका थी। जैसे ही रात हुई, सू ह्योन ने कांग से उस घटना के बारे में सवाल किया जिसमें वह दिन में किसी और के अपार्टमेंट में घुस गया था। इसके बाद कांग ने एक आश्चर्यजनक बात का खुलासा किया, वह एक अनोखी टैक्सी की सवारी के बाद एक अलग दुनिया से आया था। सू ह्योन के साथ उसने जो जीवन बिताया वह उसे रहस्यमय टैक्सी ड्राइवर द्वारा प्रदान किया गया था। सू ह्योन ने इसे बकवास कहकर खारिज कर दिया, ऐसी अविश्वसनीय कहानी को समझने में असमर्थ। जैसे ही कांग बिस्तर पर सू ह्योन के पास लेटा, वह उसके बिना अपने पिछले जीवन को याद करते हुए बेचैनी से जूझ रहा था। उसके साथ सोना अकेलेपन से बिल्कुल अलग अनुभव था जो उसके नए परिवार के साथ उसकी यात्रा की शुरुआत का प्रतीक था। नींद, भोजन, पालन पोषण की जिम्मेदारियां साझा करना और एक पति की भूमिका निभाना, एक ऐसी भूमिका जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। कांग को जुड़वां बच्चों के साथ संबंध बनाने और इस दोहराव वाले नए अस्तित्व को अपनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन सू ह्योन ने उन्हें मिस्टिक टीवी में अपने काम के शेड्यूल की याद दिलाई, जो एक कम रेटिंग वाला चैनल था जो कम से कम शानदार फिल्मों के लिए जाना जाता था। कांग ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए भी चैनल को लेकर आपत्तियां रखी। अप्रत्याशित रूप से कांग की दोस्त वूही उसके थिएटर प्रदर्शन में सहायता मांगने के लिए उसके पास पहुंची। कांग को पता चला कि इस वास्तविकता में वो अपने टीवी करियर के साथ साथ थिएटर शो के माध्यम से जीविकोपार्जन कर रहे थे। अपनी मुलाकात के दौरान कांग ने जो यून के बारे में पूछताछ की और वूही ने उन्हें बताया कि जो यून ने एक अभिनेता के रूप में प्रसिद्धि हासिल की है। कांग को एहसास हुआ कि उनके करियर की राहें अलग हो गई हैं। अपनी पिछली पसंदों को समझने की इच्छा से प्रेरित होकर कांग ने उस एजेंसी में घुसपैठ की जहां जो यून काम करती थी। टकराव के बाद जो यून ने कांग को पहचान लिया और भोजन के लिए निमंत्रण दिया। अपनी बातचीत के दौरान कांग को पता चला कि जो यून एक अभिनेता बन गया था क्योंकि कांग ने एक बार हवाई अड्डे पर सू ह्योन के साथ रहने के लिए एक ऑडिशन छोड़ दिया था, जो कि अपने रिश्ते पर अपने करियर को प्राथमिकता देने के कांग के पिछले फैसले के बिल्कुल विपरीत था। अपनी पसंद के बारे में नई स्पष्टता के साथ सू ह्योन के लिए कांग की भावनाएं बदलने लगी। उन्होंने विचार किया कि यदि वह एक दशक पहले न्यूयॉर्क गई होती तो क्या होता, लेकिन सू ह्योन ने एक परिवार के रूप में अपने वर्तमान जीवन के लिए प्राथमिकता व्यक्त की। एक प्रतीत होता है कि असंबंधित सबप्लॉट में कांग और वूही ने अपने थिएटर प्रदर्शन के लिए तैयारी की, दर्शकों में जो यून शो से अप्रभावित दिखाई दे रहे थे। इसके बाद जो यून की उदारता के सौजन्य से उन्होंने एक साथ भोजन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि जो यून को वूही से प्रेम था और यह स्पष्ट था कि उनका पिछले जन्म से कोई संबंध था। एक आश्चर्यजनक संकेत में जो यून ने उनके रात्रिभोज की लागत को कवर करने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड पीछे छोड़ दिए। बाद में कांग के आवास पर वह सू ह्योन और उसके साथियों के साथ उत्सव में शामिल हुए, अपने साथ लाए रेस्तरां के किराए का उपयोग करते हुए। हालांकि कांग एक प्रसिद्ध अभिनेता नहीं थे, लेकिन आस पड़ोस की महिलाओं के बीच उनकी काफी लोकप्रियता थी। अगली सुबह कांग की माँ उनके घर आईं। वो कांग की वैकल्पिक वास्तविकता में माँ से काफी भिन्न थी और यह जानने पर उसने नाराजगी व्यक्त की कि कांग ने अपनी नौकरी छोड़ दी है। कांग और उसके पोते पोतियों के साथ कुछ समय बिताने के बाद कांग घर वापस जाने की यात्रा के लिए उसके साथ टर्मिनल तक गई। उन्होंने अपने बेटे को जो यून जैसी महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने के लिए ईमानदारी से प्रार्थना की और उसे कुछ वित्तीय सहायता की पेशकश की। उन्होंने उनसे अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करने और अपने पिता की कब्रगाह के लिए फूल खरीदने का भी आग्रह किया। कांग ने अपने पिता की कब्र पर जाने के अलावा उनके अनुरोधों का पालन किया क्योंकि इससे दर्दनाक यादें ताज़ा हो गईं। बाद की तारीख में कांग ने एक ऑडिशन में भाग लिया, केवल उनकी घनिष्ठ मित्रता को देखते हुए जो यून को उनकी फिल्म में भाग लेने के लिए मनाने के लिए कहा गया। इस अप्रत्याशित प्रस्ताव ने जो यून को आश्चर्यचकित कर दिया, जिन्होंने कांग को वित्तीय सहायता देने के लिए अपने प्रबंधक के रूप में नौकरी की पेशकश करने का फैसला किया। कांग शुरू में झिझके क्योंकि उनका अपने जीवन से मोहभंग हो गया था।
हालांकि अगले दिन कांग को सू ह्योन तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और पता चला कि उसने एक सुविधा स्टोर पर काम करने के लिए अपनी गैलरी की नौकरी छोड़ दी थी, जिससे वो निराश हो गया। अपने एटीएम बैलेंस की जांच करने और धन की कमी का पता चलने पर कांग ने अंततः जो ह्योन की नौकरी की पेशकश स्वीकार कर ली। जो ह्योन के प्रबंधक के रूप में कांग ने शेड्यूल प्रबंधित करने, सेट पर सहायता प्रदान करने और पपराजी के साथ मुठभेड़ों को संभालने जैसी जिम्मेदारियां संभाली। यहां तक कि उन्होंने वेतन वार्ता के दौरान जो ह्योन को मार्गदर्शन भी दिया। अपने 10 साल के अनुभव का लाभ उठाते हुए कांग ने जो ह्योन को अपनी कमाई बढ़ाने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यहां तक कि स्क्रिप्ट पढ़ने में भी रुचि ली, एक ऐसा कार्य जो उन्होंने पहले नहीं किया था। उनके असाधारण प्रदर्शन के कारण उन्हें एक फिल्म में भूमिका मिली जहां उन्होंने अपनी अभिनय क्षमताओं से सभी को चकित कर दिया। कांग ने परिवार के मुखिया के रूप में अपनी भूमिका का आनंद लेना शुरू कर दिया और अपने परिवार के प्रति पहले से कहीं अधिक गहरा प्यार विकसित किया। स्थिर आय के साथ वो वित्तीय दायित्वों को तुरंत पूरा कर सकता है। हालांकि इस परिवर्तन पर सू ह्योन का ध्यान नहीं गया, खासकर जब कांग ने जो ह्योन द्वारा प्रस्तावित अपार्टमेंट में जाने में रुचि व्यक्त की। सू ह्योन को संदेह था कि पैसे ने कांग को बदल दिया है और वह संजोई यादों से भरे अपने साधारण घर को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे, जबकि कांग के इरादे अपने परिवार के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदान करने में निहित थे, जो अपनी पुरानी मानसिकता से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सू ह्योन के लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनकी संपत्ति नहीं थी, जिसके कारण अक्सर असहमति होती थी। एक रात कांग सोने में असमर्थ अपने बच्चों के कमरे में चला गया, जहां उसे गहरा एहसास हुआ कि समृद्धि खुशी के लिए पूर्व शर्त नहीं थी। कांग ने अपनी पिछली गलतियों से सीखा था कि उसकी खुशी का असली स्रोत अकेले में धन इकट्ठा करने के बजाय अपने परिवार के साथ रहना है। जैसे जैसे समय बीतता गया, कांग अपने पूर्व अस्तित्व से दूर होता गया। जो ह्योन के साथ उनकी नाटकीय सफलता ने उन्हें प्रशंसकों का प्रशंसक बना दिया और निर्देशक से प्रशंसा प्राप्त की, जिन्होंने कांग और जो ह्योन के बीच भूमिकाओं की अदला बदली का प्रस्ताव भी रखा। कांग की जीत एक उल्लेखनीय साक्षात्कार के साथ समाप्त हुई, जिसने उन्हें एक अतिरिक्त अभिनेता से एक प्रबंधक और अंततः एक अनुभवी पेशेवर अभिनेता बना दिया। उनके परिवार ने उनकी उपलब्धियों पर खुशी मनाई, फिर भी कांग ने जो ह्योन के मैनेजर के रूप में काम करना जारी रखा। जब जो ह्योन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, तो उन्होंने कांग को उनके अटूट समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और कांग को अपने से बेहतर अभिनेता घोषित किया। जो ह्योन ने कांग को एक बार में जश्न मनाने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें 3 महीने के लिए विदेशी अभिनय का अवसर दिया। हालांकि कांग ने मना कर दिया, इतनी लंबी अवधि के लिए अपने परिवार को छोड़ने को तैयार नहीं, वैकल्पिक रोजगार की तलाश करना पसंद किया। उस पल में जो ह्योन ने एक उत्साही युवा महिला वूही के लिए अपनी भावनाओं को उजागर किया और कांग के पारिवारिक जीवन से ईर्ष्या की। वूही ने जो ह्योन को उठाया और कांग एक टैक्सी में चला गया। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कांग को अपने अतीत की याद आ रही थी, जब टैक्सी ड्राइवर, जो उसके दिवंगत पिता निकले, आश्चर्यचकित रह गए। उनके पिता ने काम के कारण उनके साथ गुणवत्तापूर्ण समय नहीं बिता पाने पर खेद व्यक्त किया। कांग घर लौटा, अपने बच्चों को गले लगाया और उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया, ये जानते हुए कि वो उन्हें दोबारा नहीं देख पाएगा। सू ह्योन ने कांग के साथ अपनी और अपने पिता की बचपन की तस्वीर साझा की, जिससे कांग को पारिवारिक क्षणों का महत्व समझ में आया। अपने अंतिम दिन कांग ने इसे अपनी पत्नी के पास नींद में बिताने का फैसला किया। अगली सुबह वह अपने भव्य अपार्टमेंट में जागा, लेकिन गहरी उदासी के साथ। जो ह्योन ने कांग को सू ह्योन की कला प्रदर्शनी के बारे में सूचित किया, जिससे कांग को ऑडिशन का अनुरोध करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने प्रदर्शनी में भाग लिया और अपने सपनों के घर की एक पेंटिंग देखी, जिससे उन्होंने सू ह्योन से उनकी प्रेरणा के बारे में पूछताछ की। इसके बाद कांग ने सू ह्योन को पेंटिंग में दर्शाए गए घर में ले जाया, यह महसूस करते हुए कि उसका सपना उसकी सबसे पोषित वास्तविकता बन गया था। 2 साल बाद कांग और सू ह्योन ने जुड़वां बच्चों का स्वागत करते हुए प्रतिज्ञाएं ली और एक साथ जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया।